ओ माय गॉड, मनारा को क्या हो गया है? मनारा के आज के बिहेवियर की वजह से मनारा की सलमान खान क्लास ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कलर्स वाले हैं उन्होंने मनारा का जो बिहेवियर है अंकिता के साथ उसको अनोइंग बताया है, साथ ही यहाँ पर ऑब्सेशन बताया है। ऑब्सेशन है अंकिता को लेकर के। फिलहाल आज का जो मसला था, आज की जो प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनारा की शुरू उस वक्त हुई है जब वो ब्रेड खा रही होती है किचन एरिया में, और उसके बाद उनकी टीम वाले बुलाते हैं, उसके बाद वो घस रही होती है यहाँ पर कांदा, उसके बाद यहाँ पर बोल देते हैं मुनावर की, मतलब उसको लग ना जाए। तो कहीं ना कहीं उनको मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्या मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है? तो वो सारी चीजें वहां से शुरू हुई। फिर आती है अंकिता जो कि कुछ बोलना चाह रही है, जो कि यहाँ साफ सफाई का मामला था, और आप समझा देना, मतलब कि और जो लेडीज हैं उनको बोल दिया कि आप समझा देना, ये बच्ची है। तो ये चीज जो है ना बहुत ही ज्यादा ट्रिगर्ड करी है मनारा को, कि मतलब मैं बच्ची हूं, मैं समझदार नहीं हूँ, ये लोग समझदार है, आप समझा देना। वहां पर अंकिता पूरी तरीके से गलत नहीं थी, लेकिन अंकिता ने जो लाइन बोली है ना उससे कहीं ना कहीं बहुत ट्रिगर्ड हो गई मनारा, क्योंकि मनारा को अगर हम देखेंगे शुरुआत से तो मनारा जो है ना ऐसी है कि मतलब मुझे कोई एक टैग मत दो, चाहे वो नेपोटिज्म का ही टैग क्यों ना हो, चाहे वो एक बच्ची का टैग क्यों ना हो। हम देखते आ रहे हैं कि वो अपनी जो बहनें हैं, चोपड़ा बहनें हैं, उन दोनों का नाम बिल्कुल भी यूज नहीं करती हैं, क्योंकि एक टैग लग जाएगा कि प्रियंका चोपड़ा की बहन है मनारा चोपड़ा, और साथ ही नेपोटिज्म वाली भी बातें आती हैं। साथ ही अब यहाँ पर जब ये बच्ची वाली बात आई, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी को बिग बॉस के घर में बच्ची बच्ची करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अहमियत होती है, एक विनर वाली क्वालिटी होती है, वो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो गई कि मतलब मुझे बच्ची बोल रहे, बच्ची बोल रहे, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ यार, मैंने फिल्में ये क्या वो क्या। तो वहां पर मनारा थोड़ा सा ज्यादा ओवर चली जाती है, साथ ही वो कनिंग बिच बोलती है यहाँ पर, कई सारी बातें अंकिता को बोलती है। तो यहाँ पर मनारा ओवर चली गई थी, अगर वो ओवर नहीं जाती तो वहां तक के ठीक था कि उनको बुरा लगा कि किसी ने मुझे बच्ची बोल दिया, और ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल मनारा मुझे सही लगती है, क्यूट लगती है, ऑनेस्ट लगती है, लेकिन आज का मैं ऑनेस्टली बोलूं मुझे थोड़ा सा लगा कि वो ओवर जा रही है। अब उनको बच्ची वाली बातें ट्रिगर्ड हुई थी तो उनको सोचना समझना चाहिए, लेकिन किसी को बातें बोलने से पहले आप सोचो। चलो आपने तभी भी नहीं सोची, लेकिन जब कोई सामने से आ रहा है, अपनी फैमिली की कसम खा रहा है, इनफैक्ट खास करके अपने पेरेंट्स की कसम खा रहा है, तो उस वक्त एक ऐसा भी इंसान होता है जिसका दिल नहीं पिघलता, तब भी पिघल जाता है, चलो इसने अपने माँ बाप की कसम खाई है, ये सच ही बोल रही है। तो यहाँ पर जब अंकिता अपने माँ बाप की कसम खाती है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अंकिता से काफी नाराज ही लगती है। इनफैक्ट बिग बॉस के घर में जो कंटेस्टेंट आए हैं उनका ऐसा दिख रहा है कि एक दो दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, बहुत बड़ा बवंडर करने के बाद। आज ही का जो टास्क हुआ है उसमें अंकिता और मनारा गले लगती हुई नजर आई, खानजादी और मनारा की जो फाइट हुई है कल के लाइव फीड में, दोनों गले लग रही थी। अब यहाँ पर ये जो कलर्स वाले हैं, देखिए इसका पूरा पूरा फायदा लेंगे, क्लास लगाएंगे, क्योंकि अभी जो कलर्स वाले हैं उन्होंने पोस्ट डाल दिया कि हाउ अनोइंग मनारा, मनारास ऑब्सेशन इज अबाउट अंकिता, एंड गुस्से वाला जो इमोजी होता है वो भी उन्होंने डाला है। तो इट मीन्स इस मुद्दे पर बात होगी, इस मुद्दे पर चर्चा होगी, सलमान इस पर मनारा की क्लास ले सकते हैं कि तुमको भैया क्या हो गया है। फिलहाल आप बताइए ऑनेस्टी से कि आपको कौन इस मसले में गलत लगा, किसका आप सपोर्ट करोगे। थैंक यू।